गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का थर्ड चैप्टर करेंगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसमें हमें क्या आज हम क्या सीखेंगे? अपने काम के महत्व को समझना। मौन एवं मुखर वाचन द्वारा अर्थबोध, नवीन शब्द परिचय, कहानी प्रस्तुतिकरण, व्याकरण में विलोम शब्द, वचन मुहावरे और लोक्तियां विराम चिन्ह से जुड़ी जानकारी, नैतिक मूल्य, आत्मसंतोष का भाव जगाना। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक धोबी था। धोबी के पास गधे के अलावा एक कुत्ता भी था। धोबी रोज सुबह गधे पर मैले कपड़े लादकर धोबी घाट ले जाता। दिन भर कपड़े धोता और शाम को गधे पर धुले कपड़ों की गठरी लेकर वापस घर लौटता। कुत्ता दिन भर घर पर रहता, खाता, सोता, बच्चों के साथ खेलता और रात में घर के बाहर मटरगश्ती करता। अगर गधा थक कर सोया न होता तो कभी कभार कुत्ता और गधा बातें भी करते थे। ना जाने क्यों कुत्ते को अपने जीवन से अधिक गधे का जीवन अच्छा लगता था। उसे लगता था कि गधा सुबह गठड़ी लेकर जाता है और शाम को गठड़ी लेकर लौट आता है और पूरा दिन खाली खाली रहकर नदी किनारे मौज करता है तथा रात में आकर आराम से सो जाता है। एक दिन रात में कुत्ते और गधे के बीच बातचीत हुई। गधे ने कुत्ते से कहा, मैं रोज काम करते करते थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। मैं भी अपना पूरा दिन अपनी मर्जी से बिताना चाहता हूँ। हरी घास पर दौड़ना, खेलना और दूसरे गधों के साथ घूमना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाहर चला गया तो मेरी जगह धोबी का काम कौन करेगा? कुत्ते ने कुछ सोचा और कहा, मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास। मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूँगा, जाओ तुम घूम आओ। यह सुनकर कुत्ते ने सोचा और कहा, मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास। मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूँगा, जाओ तुम घूम आओ। यह सुनकर गधा फूला ना समाया और अगले दिन सुबह ही वहाँ से चला गया। गधे के जाते ही कुत्ते के मन में यह सोचकर लड्डू फूटने लगे कि अब उसे नदी के किनारे मौज मस्ती करने के लिए मिले। अगले दिन सुबह जब धोबी गधे को लेने आया तो उसे गधे की जगह कुत्ता दुमहुलाता हुआ मिला। कुत्ते ने धोबी से कहा, गधा अपने रिश्तेदारों से मिलने गया है, उसकी जगह कपड़े लेकर मैं आपके साथ धोबी घाट चलूंगा। कुत्ते की बात सुनकर धोबी हंसा, किंतु कुत्ता तो नदी किनारे गधे की तरह आराम से पूरा दिन काटना चाहता था, इसीलिए उसने वही बात दोहराई। तो धोबी कपड़ों की गठड़ी को रस्सी से कसकर कुत्ते की कमर पर बांध दिया। गठड़ी बंधते ही कुत्ते को दिन में तारे दिखाई देने लगे। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उसने कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से धोबी की डांट पड़ी। कुत्ते ने फिर हिम्मत जुटाकर चलने की कोशिश की, थोड़े कदम लड़खड़ाते देख फिर डांट पड़ी। जैसे तैसे कुत्ता चलने लगा। राह चलता हर कोई धोबी और कुत्ते को देखे कि ये क्या हो रहा है। बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कुत्ते के दोस्त भी भों 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 करके हंसे और कहने लगे, अच्छे फंसे बच्चू। जैसे तैसे कुत्ता धोबी घाट पहुंचा। धोबी ने देर से पहुंचने पर नाराज होते हुए गठड़ी उतारी। गठड़ी उतारते ही कुत्ता निढाल होकर
एक जगह पड़ा रहा। गधा तो रोज आसपास घास चर लेता था, पर कुत्ते को दिन भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। बीच में घर जाने की भी हिम्मत न हुई। शाम तक जितनी बची खुची ताकत वापस आई थी, वह कपड़ों की गठड़ी घर तक ले जाने में खर्च हो गई। बाकी धोबी की डांट व डंडों ने उसकी सुस्त चाल पर निकाल दी। घर जाकर कुत्ता ऐसा गिरा कि सुबह तक न उठ सका। सुबह धोबी ही गठड़ी लेकर उसे जगाने आया। अब कुत्ते को लगा कि जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। कुत्ता गठड़ी लादकर चल पड़ा। धोबी और गठड़ी लादे हुए कुत्ते को देखने के लिए रास्ते में दर्शक गण मौजूद थे। ऐसा कुछ दिनों चलता रहा। प्रतिदिन धोबी घाट पहुंचते पहुंचते कुत्ते की हिम्मत जवाब दे जाती। सड़क पर कुत्ता कम और चार टांगों वाली गठड़ी चलते हुए नजर आती। अब कुत्ते को लगा कि गधे की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। एक दिन सुबह जब कुत्ता उठा, उसने गधे को वहां पाया। गधा मोटा ताजा और तंदुरुस्त लग रहा था। उसकी खाल और भी चमकदार हो गई थी। गधे को देख कुत्ते की जान में जान आई। तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो मेरे दोस्त, गधे ने कहा। कुत्ते ने गधे को आप बीती सुनाई और कहा, सिर्फ तुम ही धोबी का काम ढंग से कर सकते हो, मैं तो घर पर ही ठीक हूं, अब तुम ही संभालो अपना काम। अगले दिन जब धोबी कुत्ते को लेने आया तो उसने देखा गधा वापस आ चुका है, लेकिन इस बार धोबी ने गधे के साथ साथ कुत्ते की पीठ पर भी छोटी गठड़ी लाद दी और कहा, अब लो, मुझे तुम्हारे साथ देखना पसंद करने लगे हैं और इस नई पहचान से मुझे पहले से ज्यादा काम भी मिलने लगा है। अब तुम भी रोज मेरे साथ घाट पर चला करोगे। यह सुनकर कुत्ता अपना सिर धुनने लगा और सोचने लगा, दूसरे की थाली में घी देखने के चक्कर में मैं तो घर का रहा न घाट का। तो स्टूडेंट्स, हमने पूरे चैप्टर में कुछ नए शब्द भी हमने अपने पाठ में पढ़े, जैसे जान में जान आई, घर का रहा न घाट का। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे श्रुतलेख, उच्चारण अभ्यास और प्रश्न उत्तर।